आजाद वतन एक मंजिल। 1857 की एक रात शमा जल रही थी जिसकी रोशनी से इनकलाब का नूर छा गया। आवाम का खून खोल उठा और पूरा दौर वाकिफ हुआ उस लफ्ज से जिसे सुन के ईमान और फक्र का एहसास होता। वतन परस्ती। पाबंद जुल्म, दहशत, हुकूमत, इन सभी ने तूफान खड़े किए जो बारूद बन के फटते रहे तो कुछ सत्याग्रह बन के फैल गए। उमर कैद, बलिदान, फांसी, ये इनकलाब के रास्ते हो गए और शहीद लफ्ज का आतंक ब्रिटिश हुकूमत में फैलता गया। आखिर सन 1947 को यह जंग खत्म हुई। एक नई सुबह लिए एक नए मुल्क ने जन्म लिया, हिंदुस्तान। एक ऐसा देश जो अब किसी का गुलाम नहीं रहा, एक ऐसा देश जिसे आदर और सम्मान से देखा गया, एक ऐसा देश, सुजलाम सुफलाम देश, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं, एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे बड़ा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन के अपने संविधान के बल पे शान से खड़ा है, एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी को मां कहते हैं, एक ऐसा देश जो बलिदान, शांति और संपन्नता का प्रतीक है, जहां हर त्योहार हर धर्म के लोग साथ मनाते हैं, एक ऐसा देश जो इंसानियत की कद्र करता है, एक ऐसा देश जिसका तिरंगा देख सीना चौड़ा और सर फक्र से ऊंचा होता है, एक आजाद मुल्क, एक आजाद भारत। Okay.